हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल धवन स्टडी पॉइंट के अंदर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आपका एसएससी सीएचएसएल 2019 का जो प्री एग्ज़ाम है और उसका जो डिस्क्रिप्टिव है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट को जिन्होंने भी इसका एग्ज़ाम दिया है टायर 2, उनको अब इसका रिजल्ट का वेट है और उन्हें ये भी डाउट है कि इसकी जो टाइपिंग है वो कब होगी, टाइपिंग में क्या होता है, ऑफलाइन टाइपिंग होगी या ऑनलाइन टाइपिंग होगी। तो और आपको डीवी से रिलेटेड आपको बहुत सारे डाउट्स होंगे, तो इस वीडियो में आपके सारे के सारे डाउट्स मैं आपको क्लियर कर दूंगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पर सारी अपडेट और साथ में आपको मैं कंटेंट भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। तो शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। तो सबसे पहला डाउट आपका कि आपका जो एग्ज़ाम था SSC CSL 2019 का, इसके आपका प्री का एग्ज़ाम आपका हो चुका है, आपका डिस्क्रिप्टिव भी आपका हो चुका है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट पूछे हैं कि सर क्या डिस्क्रिप्टिव हमें फेल कर देंगे या फिर हमें हमने जो हमारा जो ऐसे राइटिंग था हमारा वो हमने थोड़ा गड़बड़ कर दिया, हमने जो लेटर था उसके अंदर फॉर्मेट सही नहीं किया, तो क्या हम लोग किसी भी कारण से क्या हमें वो फेल कर सकते हैं। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि वो फेल नहीं करेंगे आपको। हो सकता है कि आपने ऐसे के अंदर कुछ गलतियाँ की हों, आपने बहुत ज़्यादा गाटाफाजी कर दी हो या फिर आपने कुछ कंटेंट आपने मिस कर दिया हो या फिर आपने जो आपकी वर्ड लिमिट थी वो आपने एक्सीड कर दी हो या फिर आपने जो वर्ड लिमिट है उसको थोड़ा कम लिखा हो 250 से, तो उसके अंदर क्या होगा आपको फेल नहीं करेंगे, आपके जो मार्क्स है वो अपने हिसाब से वो कट कर लेंगे जो भी उन्हें लगता है। अगर मान लीजिए आपने लेटर की बात करते हैं, लेटर में आप लोगों ने मान लीजिए आपने फॉर्मेट सही नहीं लिखा, आपने कंटेंट में आपकी गड़बड़ है या आपने लिखने का तरीका आपका सही नहीं है, तो उसके अंदर भी आपके जो मार्क्स है वो कट होंगे। इस पर फेल बिल्कुल भी नहीं करते, ये बात ध्यान रखना। अगर आपने ऐसे और लेटर आपने सही तरीके से लिखा है, ठीक है, तो आपको फेल तो बिल्कुल नहीं करेंगे। हाँ, आप गलतियाँ करते हो उसके मार्क्स आपके जरूर कटेंगे, ये ध्यान रखना आप लोग। तो आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा, काफ़ी सारे स्टूडेंट पूछे सर मैं इसमें ये गलती कर दी, क्या मेरे कट तो नहीं कर देंगे या मुझे वो तो नहीं कर देंगे, फेल तो नहीं कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। फेल कब करते हैं आपको, सपोज करिए आपने लेटर के अंदर आपको एड्रेस दिया हुआ था, आपको नाम भी दिया हुआ था, अगर आपने किसी और का नाम लिख दिया अपनी तरफ से या फिर आपने जो एड्रेस है वो अपने मन से लिख दिया है, तो आपके जो है आपको फेल करने के चांस रहते हैं, आपकी वो कॉपी को चेक नहीं करेंगे फिर आगे, ठीक है। फिर आपके UFM में लगता है अनफेयर मीन्स आपके, ठीक है, तो वो उस चीज़ से आपको बचना है सिर्फ, और बाकी इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। ऐसे के अंदर ऐसा कोई इशू नहीं आता, सिर्फ लेटर में ऐसा इशू आता है ओनली, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट क्लियर हो गया होगी मुझे लग रहा है। सेकेंड डाउट आपका क्या आता है वो देखिए, आपका टायर 2 एग्जाम आपका हो चुका है, तो अब आपको वेट है कि आपका रिजल्ट ये कब तक आ सकता है टायर 2 का। तो रिजल्ट की बात करते हैं तो देखिए, अगर हम बात करते हैं कि आपका जो 15 जनवरी को आपका टायर 1 2019 में जो आपका SSC था उसका जो टायर 1 था आपका, उसका रिजल्ट आया था आपका 15 जनवरी को। और 15 जनवरी को रिजल्ट आने के बाद में आपकी जो डेट थी टायर 2 की, वो डेट थी आपकी 14 फरवरी, यानी कि वैलेंटाइन डे दिन, ठीक है। और इसके लिए मैं आपको बहुत सारा कंटेंट प्रोवाइड भी करवाया था, फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने आपको पढ़ाया भी था, तो 1 महीना आपको उसमें मिला था लगभग लगभग आपको। तो अब अगर हम बात करें टायर 2 के रिजल्ट की, तो अभी देखिए फरवरी आपका निकल चुका है, ठीक है, फरवरी के बाद आपका मार्च, अप्रैल, मई, तो मई तो भी आएगा आपका, तो मतलब 2 से 2.5 महीने आपके निकल चुके हैं। तो रिजल्ट की हम बात करें तो अभी अगर कोरोना की सिचुएशन अगर थोड़ी ठीक रही तो हो सकता है कि आपका रिजल्ट जो है वो 1 महीने के अंदर या 1.5 महीने के अंदर आपका आ जाए, यानी कि हम सीधे से कहेंगे। लेकिन अभी जो चल रही है कोऑर्डिनेशन वो थोड़ी सी बहुत ज़्यादा रोड चल रही है, ख़राब चल रही है, तो अभी रिजल्ट ये नहीं देंगे, मुझे लगता नहीं कि रिजल्ट दे पाएंगे अभी ये, ठीक है। तो आई होप इसका रिजल्ट जो है, मान के चलिए आप लोग आपका देखिए अप्रैल तो निकल ही गया आपका, मई के अंदर भी रिजल्ट आने के चांस नहीं लग रहे, मुझे जून के अंदर भी आपका रिजल्ट आ सकता है, ठीक है। तो जून से पहले तो आपका रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा, तो आप जो अपनी तैयारी जो है टाइपिंग की है वो कंप्लीट रखिए। और मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको टाइपिंग की तैयारी कितने स्टूडेंट करनी है, किसको करनी है, किसको नहीं करनी है, कितने मार्क्स बन रहे हैं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे इसके बाद में, ठीक है। तो मान के चलिए जून या जुलाई के अंदर आपका जो है रिजल्ट आने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि कोरोना की सिचुएशन बहुत स्पीड से यहाँ पर पेशेंट बढ़ रहे हैं, तो अभी शायद रिजल्ट आपका नहीं देंगे, ठीक है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट का डाउट एक ये भी आता है कि सर आप जैसे हम बात करते हैं टायर 2 का, मान लीजिए आपका रिजल्ट आ गया, ठीक है, उसके बाद हमें टाइपिंग के लिए कितना टाइम मिलेगा। तो मैं आपको बता दूंगा कम से कम आपको 20 से 25 दिन तो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा ही मिलेगा आफ्टर डिक्लेयरिंग रिजल्ट, ठीक है। रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद में आपको 20 से 25 दिन आपको टाइम मिलेगा, हो सकता है कि ये गैप ज़्यादा भी हो जाए, लेकिन 20 दिन तो आपको कम से कम आपको टाइम मिलेगा ही मिलेगा टाइपिंग के लिए। और इस बार जो टाइपिंग होगी वो होगी आपकी ऑनलाइन। ऑनलाइन और ऑफलाइन टाइपिंग में क्या अंतर होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ऑनलाइन टाइपिंग में क्या होता है और ऑफलाइन में क्या होता है। देखिए ऑफलाइन टाइपिंग होती थी आपकी 2017 तक, ठीक है, मैं खुद देख के आया था सीरियल का,
तो मैं आपको बताता हूँ ऑफलाइन में क्या होता है कि आपको एक आपके सामने पीसी होता है, एक आपका कीबोर्ड होता है, आपको एक पेपर दिया जाता है, उस पर आपका कोई भी आपका जो जो भी आपको लिखना होता है, टाइप करना होता है कंटेंट, वो आपको वहाँ पर प्रोवाइड कराया जाता है एक फॉर्मेट के अंदर, ए फोर साइज पेपर के अंदर, ठीक है। उसको देखते हुए आपको वो टाइप करना होता है टाइम के अंदर, ठीक है। लेकिन ऑनलाइन टाइप में क्या होता है कि आपका जो पेज है वो आपको नहीं दिया जाएगा, आपको जो भी कंटेंट दिया जाएगा वो आपको ऑलरेडी पीसी के अंदर वो कन्वर्ट होगा आपका, उसी में लिखा होगा, उसी को देख देख कर आपको टाइप करना है। तो ये मेरे हिसाब से थोड़ा सा बेटर रहता है, क्योंकि पेज में देख कर लिखना थोड़ा सा टफ पड़ता है, ऑनलाइन आपको थोड़ा सा आसान रहेगा बल्कि मेरे हिसाब से तो, ठीक है। तो ये होता है ऑनलाइन और ऑफलाइन टाइपिंग, ठीक है। और अब बात करते हैं हम लोग डॉक्यूमेंट की एक बार। तो डॉक्यूमेंट देखिए, आप लोग अभी से अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके वो सारे के सारे आप लोग कंप्लीट रखिए, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि आप लोग आपका रिजल्ट भी आ जाए, आपका सिलेक्शन भी हो जाए, फिर आप लोग डॉक्यूमेंट के जब आपके डीवी की डेट आए उसके बाद आप लोग इधर से उधर भागो आप लोग, ठीक है। तो अभी से आप लोग जो भी आपकी कमी है वो पूरी कर लीजिए। हालांकि अभी लॉकडाउन लगा हुआ है तो अभी तो आप इसी कमी उजार नहीं पाओगे, लेकिन फिर भी आप लोग जो डॉक्यूमेंट है एक बार आप लोग कलेक्ट करके रख लीजिए, संभाल के रख लीजिए, एक बार अपनी एक फाइल बना लीजिए उसके अंदर आपको रख लीजिए, ठीक है। और बाकी बात करेंगे सर्टिफिकेट की, तो ओबीसी का सर्टिफिकेट तो आपको पता ही होगा, इसके लिए मैंने एक पर्सनल वीडियो बना रखी है, आप जाके जाके देखना एक बार वो, उस पर कम से कम देखना काफ़ी सारा अच्छा रेस्पॉन्स भी आया इस वीडियो पर, और आप चेक करना। मैं इसमें पूरा मैंने इसको डिटेल में समझाया हुआ है कि आपको सर्टिफिकेट कितना टाइम चलेगा, कितना पुराना होना चाहिए, सब मैंने आपको समझाया वहाँ पर, ठीक है। और अब जो आपका लास्ट डाउट हो सकता है वो डाउट क्या है, देखिए कि आपकी मान लीजिए आपका टाइपिंग आपकी हो गई, तो टाइपिंग में आपको होने के बाद में, टाइपिंग होने के बाद में इसका रिजल्ट जो है वो कब तक आ जाएगा। तो टाइपिंग जैसे हो जाएगी आपकी तो रिजल्ट को हम लोग फाइनल नहीं कर सकते, क्योंकि अभी कोरोना की जो चल रही है उसके हिसाब से हम लोग बाद में क्या पता ये बाद में और इसका तीसरा फेज आ जाए, हम नहीं चाहेंगे वैसे नहीं हो, लेकिन फिर भी आपको टाइम लगेगा लगेगा, कम से कम 3 से 4 महीने आपको मान लीजिए, क्योंकि एसएससी क्या है बहुत स्लो प्रोसेस है तो ये टाइम लगा ही देता है, ठीक है। तो उस बारे में हम लोग ज़्यादा बात करेंगे नहीं। और अब मैं बात करता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि किस स्टूडेंट को टाइपिंग की तैयारी अभी से करनी चाहिए और बहुत अच्छे से करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइम देना चाहिए टाइपिंग के लिए। देखिए अगर आप जनरल में हैं, अगर आप जनरल में हैं और आपके नंबर जो है ना वो अगर 120 से प्लस बन रहे ना, तो डेफिनेटली आप लोग तैयारी कीजिए, आपका सिलेक्शन होने के पूरे पूरे चांस हैं। 120 सॉरी 220 है ना, 220 मैं टायर फर्स्ट और टायर टू को मिला के बात कर रहा हूँ, 220 की हम लोग बात कर रहे हैं, 220 से 225 के अंदर बढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली आप लोग तैयारी कीजिए। ओबीसी की हम लोग बात करते हैं तो ओबीसी के अंदर भी आप लोग 118 120 के आसपास अगर आपके पास बन रहे हैं तो आप लोग तैयारी कीजिए। एससी की बात करता हूँ तो 115 के आसपास, एसटी की 110 के आसपास, 110 112 के आसपास, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की भी आप लोग देख लीजिए 120 के आसपास रहिए आपके आसपास। तो ये मैंने आपको एक आइडिया लगाया कि अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आपको तैयारी में पूरा पूरा ध्यान लगा देना है। और आप सभी को पता है कि अभी थोड़ी देर पहले ही आपका एसएससी सीजन का रिजल्ट भी आ चुका है, तो इससे बहुत ही बड़ा इफेक्ट पड़ेगा आपके एसएससी सीजन की कट ऑफ पर। क्यों पड़ेगा? क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है जिन्होंने सीजन भी दिया था और सीएसएल भी दिया था और अब उनका सिलेक्शन हो गया है सीजन के अंदर, तो डेफिनेटली उनको अच्छी पोस्ट मिल चुकी है सीजन में, क्योंकि सीएसएल से बढ़िया पोस्ट मिलेगी उनको, तो वो जो है वो एग्जाम अब नहीं देंगे, मतलब उसमें क्या बोलते हैं डीवी के अंदर नहीं जाएंगे वो, तो वो पोस्ट जो है आपकी खाली जाएगी और वो आपके काम आएंगी, तो इससे कट ऑफ पर काफ़ी अच्छा असर पड़ेगा। तो ठीक है, तो बस आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, अपनी टाइपिंग जो है उसको अभी से करते रहिए। ऐसा नहीं हो कि आप जब डेट आए तो आप टाइपिंग की तैयारी करो फिर आप लोग टाइपिंग में रह जाओ। अपनी स्पीड मुझे बताना है कमेंट में कि आपकी अभी कितनी स्पीड आ रही है, ठीक है। तो इस वीडियो में मुझे लगता है कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब के लिए बाय बाय, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।